ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਵੇਲ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। पुलिस वालों जनतक थावां ते चैकिंग की गई, शक्की लोगों नूं डिटेन किया गया। बस स्टैंड ते होर तमाम थावां ते पुछगिछ जिथे की जा रही है उत्थे ही हर एक वाहन नूं चैक किया गया कि आखिरकार किसी होर स्टेट का वाहन किन्ने समय तो पंजाब दे विच चल रहा है। तो बस स्टैंड दे विच भी चैकिंग मुहिम की शुरुआत की गई। वैसे ही असं डेली बेस ही करते हैं चीज़ा, मतलब सब तो वही गल होंगी एंटीफिशल एलीमेंट्स उन्होंने चैक करना। इस तो इलावा जोड़ा बिना गल तो गड्डिया ला के लोग चले जाते हैं, उन्होंने सही प्रॉपर पार्किंग नहीं करते, चलान वगैरह कट रहे हैं, जो भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर संबंधी जो असं कर सकते हैं जिद एंटीफिशल एलीमेंट ए समाजिक तत्वों नत होगी। वो चीज़ा हम बस स्टैंड जिदा कई बिना काम तो इतने आगे खड़े रहते जी, उन्होंने अंदर व्हीकल लै आए, व्हीकल लैके फिर उत्थे लड़कियां नाल छेड़छाड़ करदे इस टाइप, फिर इन्हां माड़े बंदियां नूं जिहड़ी हैगी आ नसीहत दे तौर ते। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੋਟਪੂਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।